अबे वाली तू कहाँ रह गया था मेरे भाई? अरे कपड़े चेंज कर लेता मेरे बेटे, एक तो मेरे से झुका भी तो नहीं जा रहा ना, और साले मनुष्य ने जो टकरे मार लिए तेरे, अभी तक ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब थोड़ा बेहतर हूँ मेरे बेटे, लेकिन उस बार साले ने मेरी वाट मार दी। हाय हाय कितना मारा मेरे को यार फारूक, तुम लोगों को नहीं लगी? मेरे को तो हल्की सी वक्त घुटने पर लगी थी, लेकिन बेहतर है मेरे भाई, हो जाएगा ठीक है। आज दोबारा डॉक्टर को दिखा देंगे, गर्म पट्टियाँ और तेरे मरहम लगवा लेंगे मेरे भाई। अरे नहीं यार, क्या वो साला ऐसे पागलों की तरह खेचता है। सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है शेरा मेरे बेटे? और एक मिनट, हाँ जी ओके हो गया। हाँ क्या हुआ सर, आपकी तबीयत कैसी है? बस मजे में यार, अभी थोड़ी बेहतर है, तकलीफ अभी भी है। तू सुना शेरा, कैसा लग रहा हूँ? सर आपकी तो बात के लगे सर, एक नंबर ब्यूटीफुल गॉर्जियस। और लांटी ये सब लड़कियों को बोलते हैं, लड़कों को नहीं बोलते, लड़कों को बोलते हैं स्मार्ट हैंडसम और क्या बोलते हैं फारूक, बदमाश लांटी। ओके स्मार्ट हैंडसम लग रहे सर आप। थैंक यू सो मच मेरे बेटे, चल आ जाए फारूक। चलो वाली ये यूसुफ और मोटा किधर है? वो लोग तो कब के चले गए, अभी 15-20 मिनट हुए, वो चारे के काम से निकले, चारा लेने गए। अच्छा चले, हाय मैं गाड़ी चला लूँ? नहीं मैं चला लूँगा, आ बैठ, मैं अपनी सीटें किसी को नहीं देता, तुम लोग माँ बहन ने कर देते हो बेटे बेटे, बैठो। आ रहा हूँ वाली, इसमें चलेंगे ऑटो, और किसमें क्या रक्षा करवाऊँ? नहीं मैंने बोला शायद तो इसको लेके ना जाए, क्योंकि ख़राब ना हो जाए ना मेरे भाई। और चुप कर जाए यार, और वहाँ पे पठान पहुँच गया था? हाँ वाली पहुँच गया था, पठान सुबह से ही काम कर रहा था, सलीम भाई का फ़ोन आ गया था मुझे। हाय वाली तेरे को अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है मेरे भाई, तो मुझे बता देना यार, तू क्या कर लेगा तू? मैं तेरे को डॉक्टर के पास ले जाऊँगा, उसने तेरे को टकरे भी तो कितनी मारी है, रज रज के तेरे को टकरे मारी है मेरे भाई बैल ने, बड़ा कमीना बैल है मेरे बेटे वो, उसको लो देख साले को डंडे मार मार के सीधा कर दूंगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ जब उसको बेचने के लिए कोई खड़े होंगे हम लोग, कोई ख़रीदने आएगा उसका क्या हाल करेगा? अच्छा साले यही हाल करे जो मेरे साथ हुआ मेरे बेटे। हाय अरे चला लो भाई, मंडी की क्या रिपोर्ट दी है सर अपने पठान ने? हैं ये कौन सी टैक्सी है मेरे भाई? अरे वाह टैक्सी चेंज हो गई मेरे बेटे, बात जबरदस्त वाली, डाउनटाउन कैब, वाह यार कलर तो अच्छा लग रहा था मेरे बेटे, कॉम्बिनेशन अच्छा था कलर का नहीं? हाँ वाली अच्छा लग रहा था मेरे भाई। और पठान ने क्या रिपोर्ट दी है वाली? पठान ने वही बोला है कि अभी तक तो कोई नहीं आया मेरे भाई, अपने जितने पुराने कस्टमर हैं सबों को फ़ोन करके बोल मेरे बेटे, ठीक है? हाँ वाली मैंने सुबह से फ़ोन किया, तेरे भाई जितने नंबर है तू भी फ़ोन कर दे। यहाँ क्यों रुक रहा है? सिगरेट लेगा? हाँ सिगरेट भी लूँगा, और उसको बोलूँगा ना कि जानवर आ गए, सबको बोलना पड़ेगा मेरे बेटे। हाय हाँ सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? बस मजे में, तुम सुनाओ? अरे कैरियर तो है लड़क के चल लो। अरे यार वो बस जरा मंडी लगा ली ना मेरे बेटे, एक जानवर भिटक गया था, साले ने भर भर के रच के टकरे मार दिए, ऐसी वैसी टांगों में कुचल दिया मेरे भाई बाली को। अरे ज़्यादा तो नहीं लगी? अरे बस अच्छी खासी लग गई है, तो मेरे को एक पैकेट गोल्ड लीफ का दो। अच्छा ये लो, ला थैंक यू सो मच। अच्छा जानवर आ गए, तुम बताना ले लेना अगर लेना हो तो। अच्छा निकाल लो कोई अपना 2.5-3 लाख का। अरे 2.5-3 लाख का तो नहीं है मेरे बेटे। अबे यार 2.5-3 लाख का वाला जानवर नहीं है, कम से कम स्टार्टिंग मेरे पास 7 लाख से है। 7 लाख से? अबे यार इतना तो बड़ा महंगा हो जाएगा यार। तो एक काम करो ना, मंडी तुम जाओ तो 2.5-3 लाख में बकरे आ रहे मेरे बेटे। तो क्या किया जाए? देख लो आगे पीछे सेटिंग में बना लो, 2-3 दोस्त घेर लो, मिला के जानवर ले लो, वो ज़्यादा बेटर है, मोटा तगड़ा जानवर आ जाएगा मेरे बेटे। अच्छा चलो मैं अपने एक दो दोस्त हैं उनसे बात करता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ जानवर कैसे हैं। बड़े खूबसूरत टाइम है बात जानवर बच्चे यार, तुम्हें पास 2-3 बच्चे ऐसे आएंगे टकड़ी टकड़ी। चलो मैं फिर तुम्हारे रात में या कल चक्कर लगाता हूँ। ओके मैडम बेटे। पैसे? अरे लिख लेना यार। अच्छा चलो ठीक है, आ जाए फारूक। चलो वाली, हाय हाय मैं वाली, तू घर पे आराम कर लेना मेरे भाई, घर पे आराम करूँगा तो काम कौन तेरा बाप देखेगा? अब अबे तो हम देख लेंगे ना मेरे भाई। अरे चुप कर जा यार, मैं देख लूँगा, चलूँगा फिरूँगा नहीं ना तो मेरे बेटे और जाम हो जाऊँगा। हाँ ये बात तो है वाली, इस उम्र में तो बस अगर आप बैठ गए ना बिस्तर से लग गए तो मेरे भाई बिस्तर से ही लगे रह जाओगे। यही तो हमारे बड़े भैया जब सन 1975 की बात है, उनका एक्सीडेंट हुआ था रोड पे ना, वो उनको ना टांग टूट गई थी मेरे भाई। फट 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 तुम लोगों ने तीसरी टांग लगवाई? वाली तीसरी टांग कैसे लगवाते हैं, दो होती हैं। अरे टांगें 3 होती हैं मेरे बेटे। अबे वो वाली टांग नहीं टूटी थी, चलने वाली लेफ्ट साइड की टूट गई थी। फट फिर हमने हमारे बड़े भैया का ऑपरेशन करवाया, रॉड लगी उनकी टांग में मेरे भाई। अब बड़े भैया जो है ना बिस्तर से लग गए थे मेरे भाई, फिर मेरे भाई वो बिस्तर से ही लगे रहे अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक। क्यों? अब बीमार हो गए थे ना मेरे भाई, अरे अल्लाह फिर उनका इंतकाल हो गया। लांटी मेरे को पता था ऐसे ही कुछ होने वाला है, 100 दफ़ा तेरा भाई ने आज सेंचुरी कर ली मरने की मेरे बेटे। तू गिन रहा है? हाँ सब गिन रहा हूँ मेरे बेटे मैं, 100 दफ़ा सेंचुरी पूरी हो गई।
चल भाई है, ये लाइटें क्यों बंद है? अबे तो दिन में भी लाइटें जलाई क्या मेरे भाई? या भाई धमा डम डम यहाँ घुसता हूँ ना अपने आपको भरम में फील करता हूँ मेरे बेटे, बॉडी बोर्ड हर जगह बॉडी बोर्ड मेरे बेटे। चला जा फाटू, चलो वाली आ जा। हाय हाँ, अरे वाह, अरे हाय भैया VIP काम कर दिया मेरे बेटे। हाय हाय ये बच्चियों को क्या बना? अरे यार वो साला टोपिया करवा रहा है, साले ने अभी तक बच्चियाँ नहीं भेजी, बछड़े तो उसने साले भेज दिया। तो बोल क्या रहा है वो? बोल रहे यार वो आई नहीं अभी तक, उसको आगे से टोपी मिल लिया तो कहीं और से उठा लें हम, मैं भी यही सोच रहा हूँ। गुड मॉर्निंग बाली, गुड मॉर्निंग, कैसी तुम्हारी तबीयत? बस ये मड़ा कैसा है तुम्हारा का कुछ? मैं मजे में पठान टू बटा। अरे बड़ा अफसोस हुआ यार तुम्हारे बारे में सुन के, तुमको जानवर ने लपेटे में ले लिया यार। हाँ क्या बात है, चल लिया? कुछ नहीं बाली, पठान थोड़ा वो है क्या कहते हैं, वो तो है ये थोड़ा ठंडी फोड़ा है। क्या बात कर रहे हो मड़ा? क्या बात कर रहा है, क्या क्या है? वो थोड़ा सा परेशान है पैसों के मामले में क्या मड़ा? यार मैंने तेरे को पैसा दिया तो है। अरे मड़ा तुम जो दे रहे ना यार वो फिर भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा पैसा और चाहिए। अरे तो घर से बैठ के कमाना सीखना मेरे बेटे। मड़ा आजकल घर में कमाने का तरीका कौन बताता है यार, और अगर होता भी तो साला फालतू होता है। अरे नहीं मैं तेरे को एक तरीका बताता हूँ यार, तूने मेलबेट के बारे में सुना है? नहीं मड़ा। अरे मैं तेरे को बताता हूँ, मेलबेट ने जो है ना, मैं रोज उससे कुछ ना कुछ पैसा कमा रहा हूँ, ये बैटिंग वैटिंग नहीं है मेरे बेटे, इधर गेम खेलो और पैसे कमाओ वो वाला सीन है। समझ में आ गया तुम लोगों को? बिल्कुल बाली, मैंने भी करा, मैंने कल रात में 3,550 रुपये कमाए थे। रबड़ मैंने तो आज तक ट्राई नहीं करा, मैं तुम लोगों को बताता हूँ ना। देख पठान मड़ा मेरे को बताओ ना यार माँ का कुछ। हाँ बताता हूँ, देख मेलबेट ने एक फॉरन अटैच किया था, गेम लॉन्च करा है अभी, तू जो है ना इस पर अगर 1,000 रुपये लगाएगा ना, और तेरे को उसमें जितना तू इंतजार करेगा तेरे को उतना ही जीतने का चांसेस मिलेंगे मेरे बेटे। कैसे मड़ा? अरे यार मेलबेट ने अटैच किया था, गेम लॉन्च करा, उसमें मेलबेट तेरी फुल मदद करने वाला है। अभी देख मैं तेरे को दिखाता हूँ, ये देख ये देख, दिखाओ मड़ा, ये देखो मैंने लगा दिया 1,000 रुपये। अब मैं इसमें जितना इंतजार करूँगा ना मेरे को उतने ही जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जितना परसेंटेज 2x 3x मेरा बढ़ते जाएगा उतना ही मैं अमाउंट विनिंग करता जाऊँगा मेरे बेटे, सिर्फ गेम खेलो और पैसे कमाओ। अरे वाह मड़ा ये तो बहुत आसान है यार। हाँ लेकिन इंतजार करना लाजमी है, और अगर तू मेरे दिए हुए प्रोमो कोड यूज़ करेगा ना शायद 2 के नाम से, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी तेरे को कॉमेंट में मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा मेरे बेटे। वो अच्छा मड़ा, हाँ तो वहाँ से तू अगर जाके साइन अप करेगा और मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेगा तो तेरे को बहुत सारा डिपॉजिट बोनस भी मिल सकता है मेरे बेटे, वो भी 20,000 तक का। क्या बात कर रहा है मड़ा, 20,000 रुपये यानी घर बैठे बैठे? हाँ तो जब जल्दी से जाके साइन अप करो, मेरा प्रोमो कोड यूज़ कर लियो मड़ा, आज ही रात जाके अपने बेगम के बराबर में बैठ के करूँगा। हाँ ठीक है मड़ा, तुम ये देखो कैसा बनाया, ये तो तुमने बड़ा VIP बनाया मेरे बेटे, है ना मड़ा? जबरदस्त बाली, अब थोड़ा असर हो गया, धूप सर पर नहीं पड़ रही, मैं तो बोल रहा पंखा भी लगवा लो। हाँ वो फारूक को बोला था, फारूक क्या बना वाली? हाँ वो घर पे रखा हुआ ना, वो रात में लेकर आ जाएंगे मेरे भाई, पंखा फुल VIP डिशम डिशम पंखा चाहिए, गोलियाँ नहीं लांटी के बच्चे, डिशम डिशम के बच्चे। ये मेरे बच्चे कैसे हैं वाली? घास डाली है ये यूसुफ ने अभी तक? वाली चारा लेने भेजा ना तुमने? हाँ अभी तक आए तो नहीं वो, आ रहा होगा मेरे बेटे, बाकी मैंने सारा गोबर भी समेट दिया है। जबरदस्त, और मेरे बच्चा क्या लें वाली? ये इनको घुमाना फिराना पड़ेगा, ये ऐसे पड़े पड़े ना मेरे भाई कमज़ोर हो जाएंगे, बेचना है इनको साले, रखना नहीं है। बाकी जानवर सब चाहिए, पानी वाली पिला दिया? अब वाली सब कुछ पिला दिया, जबरदस्त। अरे साले इतना सारा गोबर निकाल भी दें लोगों ने? अबे ये तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई, पहाड़ बनता है, इसका हम करेंगे क्या वाली? मेरे भाई एक आइडिया है मेरे भाई, क्या इसको जो है ना हम लोग यहीं पर गाड़ देंगे, क्यों? अबे गोबर से खल बनती है, फसाद फसाद बोल रहा हूँ, खाद बनती है, और वो क्या कहते हैं पेड़ पौधे उगते मेरे भाई, काम आएगा तेरी ये जगह, हरियाली भरियाली हो जाएगी मेरे भाई। अच्छा चल सही है, ये आइडिया भी अच्छा, चलो ये तो वेल एंड गुड वाली। लेकिन एक काम और मेरे भाई, क्या वाली? हमने बाकी जानवरों के ऊपर छत लगाई हुई, इन दो के ऊपर नहीं लगाई हुई यार। अरे हाँ यार ये तो मेरे दिमाग में नहीं रहा, ये तो बेचारों पे कड़क धूप पड़ रही है यार। अरे पठान हाँ माड़ा, हाय 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 वाली तुम बैठ जाओ ना। अरे क्या बैठना पठान, ये दोनों जानवर के ऊपर मुझे छत लगाना यार। मड़ा हाँ मैं तुमसे ये पूछना था, तुमने यहाँ का बताया नहीं, तो अपना थोड़ा दिमाग लगा लिया करना माँ का कुछ। ओके मड़ा मैं कल आके चादरें लेकर आता है, आज इनको दिन गुजारने दो, मैं कल लगा देगा माड़ा माँ का कुछ। ओके कुछ जानवर वानवर बिका वाली? सन्नाटा पड़ा हुआ है, ये तो है सन्नाटा पड़ा हुआ आजकल तो यार, लोगों की मेरे को लग रहा है जेबें टाइट है, सबको फ़ोन करके बोलना पड़ेगा, वो शकील भुट्टे वगैरह को भी फ़ोन करके बोल लेता हूँ। हाँ वाली यही करना पड़ेगा मेरे भाई, है ना? हेलो अस्सलाम वालेकुम,
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है चाचा बाली? बस मजे में मेरे बेटे, तू सुना? बस जबरदस्त जबरदस्त, मेरे तो मजे ही रहते हैं। तू किधर है मेरे बेटे? मैं तो स्विट्जरलैंड आया हूँ। हैं, स्विट्जरलैंड? वहाँ क्या कर रहे मेरे बेटे? अरे यार, छुट्टियों पे आया हूँ। पहले तू साले दुबई जाता था, स्विट्जरलैंड? दुबई जा जाके थक गया हूँ फिलिपिनिया पेल पेल के, अब यहाँ पर आया हूँ गोरियाँ पेलने। तेरी माँ का बकरा का तेरा क्या सीज़? जानवर वानवर लेगा मेरे बेटे की? नहीं लेंगे। लेंगे क्यों नहीं लेंगे, तुमने मंडी लगा ली? हाँ ना मेरे बेटे, जब तक फोन किया छोटा बता दूँ। चलो मैं एक डेढ़ दो तीन दिन में वापसी आ रहा हूँ, फिर तुमसे मिलता हूँ आगे। ओके मेरे बेटे, ओके ओके। और कौन है यार अपने कॉन्टैक्ट में? वाली मैंने तो तकरीबन सबों को फ़ोन कर दिया, माइकल भाई वगैरह सबको कर दिया। हाँ सबों को कर दो, सबों को कर दो, अपने पार्टी में जितने लौंडे सबों को कर दो। हाँ बस, तूने पार्टी से याद आया, पार्टी वाले भाई का हमारे जानवर का वो करा? हाँ कर दिया कर दिया, वो पहले ही कर देंगे मेरे बेटे, कोई भी कर देंगे उसका, क्या लांटी को आने तो। ये साले मोटे, शहर में महंगाई कब कम होगी? पता नहीं, जब मैं मुल्क संभालूंगा ना तो मैं पेट्रोल फ्री कर दूंगा। तू तो यार अभी से ख्वाब देखने लगी है, बैठ गाड़ी में। चलो बैठो, आ रहा हूँ ना। चलो ईश भाई, देख तो ले साली। अभी इसको उस पर रखवा लो ना, सिलेंडर पे जो गैस का होता है। अबे नहीं बे, छोड़। अबे तो उसमें फायदा है। वैसे बात तो तू सही कर रहा है, चाचा से बात करता हूँ। उसमें बचत हो जाती है भाई, एक से एक दफ़ा सिलेंडर फुल करा लो, वो इसके बाद तो चलती रहती चलती है, तो एवरेज भी ज़्यादा देती है। पेट्रोल महंगा पड़ेगा यार हमें, और इस पर जब लोडिंग हम जानवर लेके जाएंगे तो पेट्रोल का फिर एवरेज ख़राब हो जाएगा लोड की वजह से। बात तो तू सही कर रहा है, चाचा से बात करते हैं, सवाले से देखते क्या कहता है वो। हाँ ना। अरे तेरा भाई अब गाड़ी सही चला रहा है ना? आज तुम बहुत सुकून से गाड़ी चला रहे हो, तुम इसी वजह से ठुकते हो क्योंकि तुम गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहे हो, तो फिर तुम्हारा ना ब्रेकिंग पे कंट्रोल नहीं है। ये तो है मोटे, ये तो बात मैं भी मानता हूँ तेरी कि मेरी ब्रेकिंग पे कंट्रोल बहुत ख़राब है। हाँ ना। बेड़े जलैले जिगर में पिया, जिगर में पड़ी आग है। तो शादी कर लेना यार, तू शादी की बात नहीं किया कर। वो तुम्हारी बेगम का क्या बना? पता नहीं साला, मेरी बेगम बनी भी थी कि नहीं। क्यों? निकाह पढ़ाने से मेरे को समझ नहीं आया कि मेरी बेगम थी कि नहीं। तो उसको ढूंढो तो साली को। कहाँ ढूंढे मोटे, फारूक भाई ने जोर लगाया पार्टी की तरफ से, लेकिन उसका हत्ते पता नहीं लगा कुछ अभी तक। हत्ते लग गई ना, देख साली के दोनों उड़ा दूंगा। हैं, क्या दोनों उड़ा दोगे? कान कान हाथ पैर वो सब। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ना, मैं तो जिंदगी बर्बाद करके चली गई साली मेरी, इतना प्यार करा उसको मोटे, यकीन कर उसके ना कपड़े तक मैंने अपने हाथ से धोए, साली को नाश्ता बना के देता था मैं। छोड़ो छोड़ो ईश भाई, तेरे को चाचा बोल रहा था अपनी बहन दे दे मेरे को, देख कितना ख्याल कर रहा था मैं उसका भी। चुप कर जा शाले, मेरी बहन को भेजना मुझे बीच में नहीं घसीटा कर। चल भाई रिवर्स रिवर्स। अब यूसुफ भाई आ गए, यूसुफ भाई आ गए, यूसुफ भाई आ गए, तेरा बाप आए ना, तू से नाच रहा है। आ जा भाई। शुक्र है भाई तू आ गया, जानवर भूख से तड़प रहा है, अब तक दोपहर का खाना नहीं डाला उनको। अबे यार वो भूसा ना, वो तीन कट्टे कम पड़ रहे थे, ये तो तुम कम लाए हो मेरे बेटे। इतनी सुजुकी में ना इतना ही भर के आ सकते, तुमने कहा था पूरी सुजुकी भर के ले आओ, तो उसमें इतना ही माल लोड हुआ। अच्छा हाँ, बाकी कब बाद में ले आएंगे ना? और वो खल की जो तीन बाल्टियाँ ले आया हूँ मैं। ज़बरदस्त हो गया मेरे भाई, ये तो VIP काम हो गया। यार चाचा मैं एक बात सोच रहा था। क्या मेरे बेटे? तू मत सोचा कर, खुदा का वास्ता तू मत सोचा कर, पहले बात क्या बोलूँ मैं तेरे को, बात तो सुन ले। हाँ बोल। मैं यार पेट्रोल बड़ा महंगा अभी फुल कराई, भैंस की टांग जेब ढीली हो गई, इसको अपन क्यों ना उस पर ना करा लें यार, वो जो होता है वो गैस के सिलेंडर पे। वाली नाइस आइडिया, उस पर गाड़ी अच्छी चलती है, ये चलती है तो चलती है टोटली उस पर। अच्छा, लेकिन गैस भी तो महंगी है, लेकिन उस पर एवरेज आ देती है, अगर इस पर मिसाल के तौर पर इस पर 20 दे रही है ना तो उस पर 40 देगी। क्या बात कर रहा मेरे बेटे। हाँ वाली ये तो है मेरे भाई, लेकिन इंजन की वजह थी, हमारे बड़े भैया ने एक दफ़ा महरान ली थी, उसको सिलेंडर CNG पे करा लिया था, एक छः महीने बाद ही उसका इंजन खुल गया था मेरे भाई, फिर हमारे बड़े भैया ने दोबारा महरान ली, फिर उसको पेट्रोल पर चलाया, आज तक उसका इंजन नहीं खुला। वो महरान है कि डर? पता नहीं वाली, हमारी किसी भाभी के पास होगी वो। बताओ दादा। चलो ऐसा करा लो मेरे बेटे, सिलेंडर रखवा लो उसमें। ठीक हो गया, ये उतरवाओ। हाँ उतारो। मैं नहीं उतार रहा, मैंने वहाँ चढ़ाया साले, पूरे शर्ट में भूसा ही भूसा घुसा हुआ है, ये मोटे हैं तो हल्के का भी हाथ नहीं लगवाया। क्यों? मैं नहीं घुसता, मुझे चीखे आ जाती हैं। टूट साले, छोई मोई साले, बडो बडी। चुप कर जा यार। बदो बदी, चलो बदो बदी, तू उतार लेना, तू तो वैसे गंडा हुआ भूसे में, वो हम भी भूसे में हो जाएंगे, मैं तो उतार नहीं सकता। अच्छा यार, अच्छा उतार के दे रहा हूँ, ये रखवा दो जरा। आ जाए वो सलीम जा। ठीक है बाली। साला पूरा मैं तो भूसे में ही हो गया हूँ। तुम हो भी भूसड़ी वाले। चुप कर जा यार। चाचा। हाँ मेरे बेटे। ये सब रखवा दिया? भाई कस्टमर तो आए नहीं रहे जानवर लेने। अरे रात का इंतजार करना पड़ेगा।
आज रात की क्या सेटिंग है? बस अब घर पर जाना नहीं है मेरे बेटे, जो है यहीं पर है मेरे बेटे। है वाली ये क्या बात हुई मेरे भाई? क्या बट्टा मिल रही है? अब डकार आ रही थी ना वाली, तो तुम ऐसे जोर से माइक में फाड़ दोगे तो मेरे भाई तो क्या मुंह पे हाथ रख के पाद दूँ। ये डकारा ये पाद आया। तुम ये छोड़ो मेरे भाई, लोग खाना खा रहे होते, गंदी गंदी बातें नहीं करो। हाँ अब घर पे क्यों नहीं जा? अब जो है यहीं पर है मेरे बेटे। अब कुछ कर फटा छोड़िए, आज से दिन स्टार्ट है, अब चांद रात तक अपन यहीं पर है मेरे बेटे। तो आज करेंगे क्या? आज मेरे बेटे महफिल लगाते हैं, भाटे शाटे करते हैं, टफड़ियाँ करते हैं मेरे बेटे। ये भी ठीक है। अच्छा जाओ समोसे ले आओ मेरे बेटे। मैं टॉर्ट कौन लाएगा? लाओ पैसे दो। तेरे को साले 25,000 रुपये भी देते, पैसे नहीं बचे, उल्टा जेब से 1200 दिए पेट्रोल में मिला के। अच्छा फाटू पैसे दे इसको। यूँ तो भाई तुम जाओ, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है कितने लाऊं? देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बंदे ना। बट जाओ अपना 12 समोसे ले आओ और जलेबी पकड़ लेना मेरे बेटे, मज़ा आ जाएगा। और राइटर लास्ट में लेके आओ, नर्स को बोलिए समोसे नहीं दे। ठीक है आ जाओ मोटे, चलो मैं भी चल रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ। कीमे के भी लेना? आओ तो कीमे के भी ले ही लेंगे। गाड़ी में चल लो ना। अबे इसमें आ जा, आजकल मैं इसमें ड्राइव कर रहा हूँ। बताओ कितना सन्नाटा पड़ा हुआ है नहीं मेरे बेटे? ये तो है बाली मेरे भाई, सन्नाटा तो बड़ा पड़ा हुआ है मेरे भाई, है ना बाली? बोल तो तुम बिल्कुल सही रहे हो, सन्नाटा तो बहुत ही ज़्यादा पड़ा हुआ है। करे तो करे क्या हम? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ मेरे बेटे। कितनी डकारे मारेगा अबे बाली? अभी तो समोसे खाए तो डकारे तो आएंगी ना। तुम भी ना, मैं तो बोल रहा हूँ यार कोई लूडो वूडो पट्टी डब्बू या फिर कुछ डाल लो यहाँ पे अपने अपने उस तफरियों के लिए। हाँ यार मैं बोल रहा हूँ प्ले स्टेशन लगा लो, टेकिन खेलेंगे। चल बे प्ले स्टेशन लगा लो बाली। यूथू भाई ने बात सही करी है, पट्टी डब्बू कुछ डाल लेते मज़ा आएगा मेरे भाई, क्या बोलते हो? बात तो सही कर रहा है। पठान तुम क्या सोच रहे हो मेरे बेटे? क्या तुम चुप चुप बैठा हुआ वाड़ा? मैं ये सोच रहा है कि फिल्मों का क्या बनेगा माँ का कस। क्या वाड़ा? अभी देखो कुछ बनाने को मिला नहीं तो सालों ने हीरा मंडी बना डाली। हाँ ये तो है बाली, एक ज़माना था हमारे बड़े भैया भी फिल्म डायरेक्टर थे। चुप कर, बकवास नहीं करियो आगे थे। हाँ लांटी का बच्चा। नहीं नहीं वाकई में हमारे बड़े भैया ने एक स्टोरी राइटर भी थे मेरे भाई, एक स्टोरी भी लिखी थी फिल्म की। सुनाऊँ क्या तुम लोगों? नहीं हमें नहीं सुननी। अबे सुनो तो। नहीं हमें सुननी ही नहीं है। अबे बड़ी मज़ेदार है मेरे भाई कसम से। सुना मेरे बेटे सुना, देख लो मेरे भाई, फिर बाद में गालियाँ मत देना है, हम क्यों गालियाँ देंगे। अच्छा भाई सुना, अच्छा थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। हाँ तो मैं तुम लोगों को सुनाता हूँ मेरे भाई। हमारे बड़े भैया ने सन 1980 में एक कहानी लिखी, उसमें फिल्म भी बना रहे थे मेरे भाई। उसमें कहानी ये थी, सुना ना, सुना रहा हूँ ना। और सलीम बैठ जाना। नहीं भाली मैं खड़ा भाई सही हूँ, मेरा खड़ा रहता है, मैं मज़े में रहता हूँ। हाँ अच्छा कर यार तू कहानी सुना। हमारे बड़े भैया ने एक फिल्म की कहानी लिखी थी, एक गाँव में गूंगा लड़का रहता है। हाँ उसको ना दूर के गाँव एक बहरी लड़की से प्यार हो जाता है। अच्छा है क्या क्या? गूंगे लड़के को बहरी लड़की से प्यार हो जाता है। हाँ ना मेरे भाई, लड़का गूंगा है और लड़की बहरी है, लेकिन इन लोगों का देख रहा हूँ वो कनेक्शन कैसा है। मैं भी यही देख रहा हूँ। अजीब पागल वाली स्टोरी है तो स्टार्टिंग से ही। अबे सुनो तो मेरे भाई, बहुत अच्छी स्टोरी है, काट दूँ मेरा? अभी तुम मेरी कहानी सुनते रहो मेरे भाई। हाँ नहीं तो ये क्या, गूंगा लड़का और बहरी लड़की? बताओ दादा ये गूंगे को बहरी से प्यार हो गया मेरे बेटे? हाँ मैं भी ये सोच रहा हूँ, गूंगा है लेकिन देखो है बहरा, लेकिन वो गूंगा है लेकिन उसको बहरी से इश्क हो गया। हाँ ये तो देखो, तो ये देखो तुम। अबे तुम ये छोड़ो ना मेरे भाई, तुम मेरी कहानी सुनो। गूंगे और बहरी में बड़ा प्यार बाली। हाँ फिर गूंगा जब भी गाना गाता था ना, बहरी उसको सुन के दौड़ी चली आती थी। हैं क्या ये क्या चल रहा है? माँ का कुछ तुम्हारा गूंगा बहरी का, माँ की आँख ये क्या, वो गा रहा है वो सुन रही है, ये चल क्या रहा है, ये कौन सा गूंगा बहरा है माँ की आँख? मेरे को भी पठान समझ नहीं आ रहा, तू सही सोचा था फिल्मों के बारे में। अबे ये देखो तुम, ये देखो मेरे भाई कि बहरी देखो सुन रही है। हाँ तो बहरी है कैसी वो? अबे तुम सुनो, गूंगे की आवाज़ में इतना दर्द था ना मेरे भाई, बहरी उसको सुन के दौड़ी चली आती थी मेरे भाई। बहरी का ना एक चचा अंधा होता है, वो एक दिन दोनों को ना खेतों में मोहब्बत की बातें करते देख लेता है मेरे भाई। हाँ कि क्या चल रहा है, वो चचा अंधा है, गूंगी बहरी, बहरी गूंगी, क्या चल रहा है ये? तुम ये देखो चच्चा अंडा है, लेकिन उसकी आंखें देखो, आंखें नहीं उसके बंदर के चट्टे होंगे मेरे बेटे। अंडा होके भी देख रहा है लोगों खेत में मोहब्बत की बातें काटा हुआ लांटी का बच्चा, ये कौन सी स्टोरी है? हैं अबे वाकई में चच्चा अंडा था, लेकिन ना उसने वाकई में उनको दोनों को देख लिया मोहब्बत करते हुए मेरे भाई। हैं ये चल क्या रहा है मेरे बेटे? तुम मेरे को ये बेटा किसान काटे हैं? किसान कहाँ से आ गए? तो खेत में वो कर रहे हैं ना,
मोहब्बत की बातें हैं तो किसानों ने क्यों नहीं देखा, अंधे ने देख लिया मेरे बेटे। अबे वाली वो फिल्म में अंधा है, वैसे तो देख सकता है ना मेरे भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर बता आगे बता आगे बता, तुम आगे सुनो मेरे भाई। हाँ बताओ बताओ। जैसे ही जो है ना उसका वो अंधा चाचा देख लेता ना कि उसकी भतीजी उस गूंगे के साथ इश्क लड़ा रही है, वो वापसी दौड़ता हुआ जाता है अपने गांव की तरफ। फिर वो अपने घर में घुसता है, वो अपने बाप को बताता है, अपने बाप को मेरा मतलब उस लड़की की बहरी के बाप को, जिसके उसके बाप की टांगे एक ट्रेन हादसे में कट चुकी थी। हाँ मैं बिल्कुल मैं उसी ट्रेन में था, ट्रेन में ही चला था, मैंने भड़वे की टांगे काटी थी। हैं अगर चुप कर, तू स्टोरी में कहाँ से आ गया मेरे भाई, तू भी तो उसाले अंधे गूंगों को मिलवा रहा है, हम ये नहीं कर सकते। अब तुम ये छोड़ो साइड बोल रहा, अब तुम मेरी आगे सुनो। जैसे उसके बाप को ये पता चलता है कि उसकी बेटी एक गूंगे से इश्क लड़ा रही है, उसका बाप जो है ना गुस्से में तलवार उठाता है। फिर आगे क्या होता, क्लैम क्लैम वो नोट कर हाँ पता पता, आगे क्या होता, तलवार उठाता है वो अपने नाड़े में लगाता है। फिर वो बढ़ता है अपनी गाड़ी की तरफ। फिर वो घोड़े पे बैठता है। हैं क्या, गाड़ी की तरफ बढ़ता है, घोड़े पे बैठता है। अभी तुम आगे तो सुनो, ये चल क्या रहा है, कौन था अंडा भेड़ी गूंगा, क्या 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 चल क्या रहा है। अबे तुम आगे तो सुनो मेरे भाई, अबे तुम आगे सुन रहे, तो ये चल क्या रहा है, वो साला उसकी टांगे कटी हुई है, वो गाड़ी की तरफ बढ़ के चढ़ा है। अबे तुम सुनो तो, वो जिसको जैसे ये पता चलता है कि उसकी बहरी बेटी गूंगे से इश्क लड़ा रही है, वो फौरन अपनी टांगों पे खड़ा हो जाता है। हाँ फिर मोजे पहनता है। मोजे क्यों पहनेगा, तो जेब में रख लेता है, जेब में बाली की टांगे। अच्छा साले हमारे मोजे नहीं पहन रहा, तेरी बातें सुन के वो टांगों पे खड़ा हो रहा है, लांटी के बच्चे। मेरी बात तो सुनो, आगे कहानी सुनो। सुना। अबे वाकई में बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनो आगे सुनो। सुना। लो जी, जैसे उसको ये पता चलता ना, वो घर की तरफ दौड़ता है मेरे भाई। फिर वो घर से साइकिल निकालता है। साइकिल मौजूद है साइकिल का, तुम आगे तो सुनो। सुनो, जैसे ही घर से साइकिल निकालता है, वो बैठता है अपनी गाड़ी में। हमारे मोजे नहीं पहन रहा, वो साला तेरा लूड़ा लग रहा है इंसान, गाड़ी निकाल रहा, साइकिल पे बैठ रहा, चल क्या रहा है। अबे तुम आगे सुनो तो, यही तो स्टोरी है मेरे भाई, सुन ले यार इसकी सुन। सुना भाई, तू आगे सुना। जैसे ही वो साइकिल घर से निकालता है, वो गाड़ी में बैठता है और भागता है अपनी गाड़ी खेतों की तरफ, और खेतों में जाके गाड़ी को रोकता है और मोटरसाइकिल से उतरता है। हैं अबे किस चीज़ पे जा रहा है, किस पे से उतर रहा है, ये चल क्या रहा है। हैं अबे तुम्हें नहीं पता ना, वो उसकी स्पेशल है ना, स्पेशल मोटर बाइक। अच्छा अच्छा, हैंडीकैप मोटरसाइकिल है। हाँ बाली हैंडीकैप मोटरसाइकिल है। अबे आगे तो सुना। सुना, वो जैसे ही खंजर निकालता है, फायर करता है और दोनों तीर जाके लड़के के सीने में। हाँ, और फिर लड़का पेट से नेजा निकाल के बोलता है, ये तूने क्या किया माँ। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, तो तू जो इतना कुछ बता रहा अपने बापों को कि वो निकाल क्या रहा है, कर क्या रहा है, ये साले ये कौन सी स्टोरी है। हाँ नहीं तो, अबे बहुत बहुत हिट हुई थी मेरे भाई ये स्टोरी, तुम लोग सुनो तो यार। हमारे बड़े भैया राइटर है ना, तुम लोगों को नहीं पता वो किस दिमाग से क्या लिखते, हमें पता है मेरे भाई। सुना आगे सुना। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा, तुम मेरी बात सुनो। वो गाड़ी को भगाता है, खेतों में रुकता है और मोटरसाइकिल से उतरता है। फिर वो मोटरसाइकिल का दरवाज़ा बंद करता है। मोटरसाइकिल में दरवाज़ा कहाँ था, तो तेरा बाप जो ये चार चार चीज़ें बदल के पहुँच रहा है, हमारे मोजे नहीं पहन रहा, जेब में नहीं रख रहा, ये टिक क्यों नहीं रह जाएगा मारूट का बच्चा है। अबे वाली स्टोरी है ना मेरे भाई, यही तो स्टोरी है। चौकट आनी तो पठान जी, क्या क्या सुना था डाटा। अबे सुनो आगे सुनो। सुना भाई सुना, आनी तो दिमाग की माँ बहने कर दिए। अबे तुम लोग आगे तो सुना, तो सुना ना, आगे तो सुन रहे हैं, पीछे खड़ो क्या सुन रहे हैं, बातें कर रहा। हाँ, बाप की आंखों में गुस्सा भरा हुआ। फिर वो माजूर बाप बहरी को गूंगे के साथ देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ मेरे भाई। फिर ओए क्लाइमेक्स रिकॉर्ड करो। सुनो, उसकी आंखों में गुस्से का खून भरा हुआ मेरे भाई वो जेब से खंजर निकालता है और फायर करता है। हैं वो निकाल क्या रहा है, कर क्या रहा है, ये क्या चल क्या रहा है। हाँ, खंजर से तेरा बाप गोली चलाता है। वाली तो ये स्टोरी है ना मेरे भाई, ये कौन सी स्टोरी, मेरे को तो स्टोरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। हानी तो ये माँ का तेरी भाई का तेरे, क्या बोलूँ अभी तेरे को। हानी तो साले, अबे क्या वाली, ये मतलब कौन से तीर साले। हानी तो खंजर से तेरा बाप तीर चलाता है। वाली तुम आगे सुनो, यहाँ से खून निकल रहा है, लड़की गूंगी बहरी चीख रही है, और वहाँ से जो है ना पुलिस की मोबाइल आती है और पुलिस वाले एम्बुलेंस से उतरते हैं। तुम्हारा माँ का कुछ एम्बुलेंस का माँ की आँख तुम्हारा, ये चल क्या रहा है। अबे पठान, तेरे को नहीं पता ना मेरे भाई, ये चल क्या रहा है, साले पुलिस वाले मोबाइल में आ रहे हैं, एम्बुलेंस होटल। अबे तुम आगे सुनो, लड़के और लड़की को पुलिस वाले बस में डालकर हवाई जहाज के जरिए, बस में डालकर ट्रक के जरिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। है? आए वो मोबाइल में, उतरे एम्बुलेंस से, ट्रक में डाला और बस के जरिए हॉस्पिटल लेके गए। हाँ ना मेरे भाई, यही तो क्लाइमेक्स था। अभी तो और क्लाइमेक्स बाकी है, आगे सुनो तुम लोग।
फिर वहाँ से करते हैं ट्रेन सीधा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से पानी के जहाज में बिठा कर सीधा हैदराबाद, और हैदराबाद के समंदर से इसकी अम्मा, इसकी बहन और इसके बड़े भैया पेट से ऐसे महा से निकलते हैं पानी से, और निकल के कहते हैं बायो आमला बायो आमला बायो आमला। हैं पूरे साले हो गया, अब मेरे को समझ में आया, आनी तो पूरा उमर शरीफ बन रही है। अबे नहीं, हमारे बड़े भैया ने ये स्टोरी लिखी थी मेरे भाई। कटो साले, तेरे बड़े भैया ने स्टोरी लिखी थी, पूरा उमर शरीफ बन रही है, देख लो कैसा कॉपी पेस्ट मार रहा है। अभी आवाम से जैसे मारेगा ना कमेंट में, अबे नहीं वाली, हमारे बड़े भैया ने स्टोरी लिखी थी। हो सकता है वो प्यारे, जो अल्लाह को प्यारे उमर शरीफ साहब हैं, उन्होंने जो है वो हमारे बड़े भैया की कॉपी कर लिया। चुप कर, तेरे बड़े भैया ने कब लिखी थी? सन 1980 में, और उमर शरीफ का शो तो 90 के बाद आया था मेरे भाई। ढक मुंह पर कैसा झूठ बोल रहा है साला घूंगा बैर, अपने पास लगी सॉरी मैं। हट, कहाँ जा रहा है? मुटने जा रहा हूँ, तूने जब स्टोरी सुनाई ना मेरे को पेशाब लग गया। साला लांटी का बच्चा कुछ भी बोलता रहता है, झूठा इंसान।